तुम लोग ये जरूर सोच रहे होगे, जब हम लोगों को पता है चोरी कब हुई, किसने की, कितने की की, तो हम लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे। पहली बात, वो मेरे सगे चाचा ला भाई ऊपर चढ़े हैं एकदम R&D करने किसी चीज़ के लिए। बताता हूँ, कुछ खाली नहीं है तो रोशनी कहाँ से आ रही, देखो देखो ध्यान से, कहीं से कुछ टूटा हो या कुछ भी हो, ऐसे खाली आराम से। तो हाँ खपड़ा रख दो अगर एक्स्ट्रा कोई हो तो। ठीक है चलो नीचे आ जाओ रख के। खोखल है हाँ। हम कही थे सीधे एक बंद करा दे। अरे चाहे कुछ करा दे वो इधर सुनो पापा, आज ठीक है मतलब आई ही कुछ ना बोल कुछ ही कछी हाँ। कल का इनके घर में एक थे अरे आग ही लगा सब तीन तीन लगा ली हाँ। एक झाड़ू बच जाए तो मुझसे पहले छोटी सी गलती, एक दिन छोटी सी आग होती है बाद में जाके वो चिंगारी पूरे दुनिया को जला दी। अब कहीं के का कह सकता था नहीं मतलब उसे कहीं बात हाँ हाँ उसे पूछी कि बताओ तुम घर में रहे हमारी गल्ला कौन ढो रहा है हाँ, हाँ, हाँ प्रेम से तो पूछ सकते हैं ना हाँ, तो वो भैया जब हाँ, भाई थे तभी अब उनका चिंगारी चिंता अब कहे से कौनो मतलब भैया भैया कहला कि कौनो चार लोग है गाड़ी भर के कुछ कर गए है ना ऐसे कौनो मेर के आवाज नहीं दोस्तों ये पूरी जगह है जहाँ पर हमारा अनाज रखा हुआ था, मतलब चना मान लो, मसूर की दाल मान लो। तो चना करीबन 5 बोरी था, ठीक है, तो 5 बोरी में से आधा ही बोरी मिला, और वो भी ऐसे छोटी छोटी नहीं, 20-25 किलो की बोरी, तो आधा ही बोरी बचा। और मसूर की दाल भी इतनी सी बची, बाकी सब कुछ चुरा के ले गए। और आप कहोगे पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो आगे बताऊँगा। क्योंकि गाँव में जितनी चीज़ें सिंपल दिखती हैं ना, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसलिए बताते हैं। चलो और कुछ जुगाड़ भी करेंगे फिर। तो भाई ये पेड़ जो दिख रहा है ना आम का, ये बिल्कुल मेरे में करीबन 50 से 60 साल पुराना पेड़ है, यानी मेरे पापा जब नहीं हुए थे उससे भी पुराना पेड़ है। अप्रॉक्स 50 के अब तो हो गया, 60 के भी ऊपर होगा। तो भाई तुम्हें यहाँ ऊपर से रोशनी आती हुई दिख रही ना, पहले नहीं थी, बंद करो बल्ब। तो यहाँ पास ऊपर जिसने चोरी किया ना उसी ने तोड़ दिया है, ताकि ऐसा लगे कि बंदरों ने तोड़ा है और वो घर में घुसे थे। वो क्यों बताता हूँ, इस रूम में अनाज रखा रहता है, रेल लग गया सर में, और ये कुंडी लगती है यहाँ पास, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तब सपोज करो कि ये कुंडी है, ताला छोटा है तो इसको फैला देंगे, पर इसको फैला देंगे एक ही बार फैले को बंद नहीं होगा, और ये इतना मोटा है तो इसको टाइम भी लगेगा। तो व्यक्ति ने क्या किया, ताले पे एक सीरियल नंबर होता है या ब्रांड नंबर होता है, तुम देखे होगे, वो नंबर और नाम लेके गया और वैसे नकली चाबी उसकी बनवा ली। तो नकली चाबी बनवाई तो क्या हुआ, ये मेन गेट उसने खोला, अंदर घुसा, यहाँ 2 बोरी गेहूँ की रखी थी वो चुराई, यहाँ पास हमारा चप्पल जूता रखा था वो चुरा लिया, और भी जो सामान थे अंदर से, चना की बोरी चुरा ली, दाल की चुरा ली, सब चुरा लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पूरे घर में घूम घूम के इंस्पेक्शन कर लिया कि कहाँ क्या रखा है, कितना रखा, किसके रूम में क्या क्या कितना है। अब बताते हैं, ये तो आप लोगों को कि वही व्यक्ति कर सकता है जो घर का हो, बिल्कुल सही वही है, और हमारी किस्मत फूटी है कि वो हमारे परिवार में है, पर क्या करें। तो वो जो सामने व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना, ये वही व्यक्ति हैं जिनने घर में हमारे चोरी करी है। नहीं नहीं हाँ खींच रहे हैं, हाँ खींच लिए। अब तुम लोग ये जरूर सोच रहे होगे, जब हम लोगों को पता है चोरी कब हुई, किसने की,
कितने की तो हम लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? पहली बात, वो मेरे सगे चाचा लगते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो हाफ पागल है, जैसे हाफ फ्राई होता है ना, वैसे वो हाफ माइंडेड है। उनके सामने तुम मीठी मीठी बात करो, थोड़ी सी भी गलत बात कर दोगे ना, वो इतनी गालियों की बरसात करे होंगे जितना तुम जिंदगी में सुने नहीं होगे, और थोड़ी और बहस कर दोगे तो पीटने भी लग जाएंगे। तो वहाँ देखो आ गए, क्या बताएं, कभी कभी वो बात करेंगे ना तो लगता ही नहीं है कि उनका सर्किट हिल गया, लेकिन कभी कभी जैसे लगता है उनका सर्किट हो गया, कभी कभी लगता है जानबूझ के परेशान करें। तो जब से आए तो तब से मेरे दादा जी का बीपी शुगर बढ़ गया, ठीक है। तुम लोग कह रहे हो कि कुछ क्यों नहीं करते, बहुत करें भाई, ये यहाँ गांजा तक उगा दिए थे, तो पुलिस में कंप्लेन करे, पुलिस वाले आए, उनको मारे पीटे भी, जेल तक ले गए, कंप्लेन भी किए, लेकिन क्या एंड में छूट जाते कि पागल हैं, हम क्या कर सकते हैं। और अब तो और दिक्कत इसलिए होने लगी, देखो गाँव वाले में रहते हैं ना, कुछ गाँव वाले हमारा सपोर्ट देते हैं, साथ में रहते हैं, चुप रहो ना, बात कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सी चीज़ गाँव में होती है, जो पुराने ताले रहते हैं ना उनमें नाम और सीरियल नंबर रहता है, तो वो आसानी से हम बताओगे ना तो चाबी जो बनाता है वो आपको उसकी चाबी दे देगा। तो इसीलिए बिना घर में टोड़े घुसे ये हर सामान ले जाके बेचा है। तो परिवार बताते हैं कि ले जाएंगे तो दिखेगा, यहाँ खपड़ों पे नाचते हैं, ऊपर टोड़े हैं तो दिखाइए, देखो पीछे भी यहाँ रोशनी दिख रही, ये भी उन्होंने टोड़ा है ताकि उन पर कोई ब्लेम ना कर सके कि तुमने किया है। वो कह देंगे कि बंदरों ने टोड़ा, अनाज सड़ गया तो हम बेच आए दे आए। इसीलिए अभी खूब पैसा इनके दिखाते हैं, भाई ये देखो मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है, क्या करें। तो भाई यश ने कहा कि लंका में लंका दहन हो रहा है, मतलब हमारे गांव के पास एक नाम है गांव का लंका, तो मतलब क्या कोइंसिडेंस, लंका में लंका दहन, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे जो हम बैकुंठपुर गए थे ना, तो वहां से मूंगफली भेजी गई है, वही जो ट्रेन में मिलती है ना टोड़ टोड़ के खाने वाली, वो मूंगफली भेजी गई है बैकुंठपुर से लंका यहाँ पास एक जन के यहाँ, कि आप जाओ उन्हें ये मूंगफली दे देना एज अ गिफ्ट। थोड़ा सुनने में अजीब तो लगता है, पर यही रिश्तेदारी ऐसी होती है भाई, छोटी छोटी चीजों से। तो हम जा रहे हैं भैया, कहाँ से है क्या रास्ता? अरे हाँ रास्ता तो मेरे को खुद ध्यान नहीं है, पहले हम लोग चलेंगे अजीत की दुकान, मिलेगा तो वही थोप देंगे, बस सिंपल, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्यों यार? अरे यार तेल लगाना भूल गया, करना पड़ेगा दोस्तों। तो इनसे अरे बाप रे, गड्ढा भी यहाँ बना के रखे हैं यार, यहीं से जाना है ना, दूसरा रास्ता नहीं है, स्कूटी यहीं घर के चले पैदल। चलिए कहाँ से लेके जाए, इतनी सी रास्ता बीच में देख रहे ना, इतने से निकालनी स्कूटी। और बीच मजे वाली बात ये हुई, जैसे खेत से उतर के गाड़ी चल रही थी तो कीचड़ था, गाड़ी फिसली तो यश भाई का पैर ऐसे से ऐसा हो गया, मजा आई। ये फुल में इतना तेज चल रहा है, अंदर वाला बंदे के का हाल है उसकी। बहुत तेज चल, हवा लगी लेकिन थोड़ी सी, पर ऐसा को बना लेगा, आवाज भी कर रहा हूँ। गारंटी है ना पापा एक साल की इसकी, तो पता चले उड़ जाए, सबसे तेज है। हवा दे रहा है। इसकी सोचा ब्लेड भी दूसरे पुराने पंखे की लगी तो भारी, बहुत तेज चले, तेज चले, हल्की ब्लेड लग जाए तो कल बदलते हैं ब्लेड। कल हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, हैं? अरे 100 करोड़ 1000 क्या चीज होती है, 100 करोड़ रुपए हम कल बचन के पक्के वाहे गुरु के गुरुद्वारे, हमको कल 100-100 की 10 नोट नहीं, 100-100 की 100 करोड़ नोट देंगे वाहे गुरु बचन के पक्के, वाहे गुरु के गुरुद्वारे, वाहे गुरु के गुरुद्वारे, बोलिए हमको 10 नोट क्या चीज होती है, 100 करोड़ 10 नोट भी मिल जाएंगे, 10 बोले और बोलिए प्रथम आपको कितनी चाहिए? मेरे को 2000 की 10 नोट, 2000 की 10, ज्यादा नहीं चाहिए, वचन के पक्के वाहेगुरु आपको 2000 की 10 नोट दे रहे हैं, वचन के पक्के। कब कब चाहिए? कल कल ले लीजिए, सुबह 8 बजे
सुबह 8 बजे वाहे गुरु वाहे गुरु। ठीक। तो भाई अभी पानी गिरने की सूचना तो आई थी कि 17 से लेकर 20 तक पानी गिरेगा, तो वैसा मौसम या आसार भी दिख रहा है। क्यों यश भाई देगा क्या ऐसे? देखो चड्डी उड्डी को छोड़ो वो तो सूख रहे हैं, पर ऐसे पेड़ और खूब हिल रहा, मौसम भी अभी साफ नहीं। नहीं तो अभी तो धूप करता है। अभी तो कितना बज रहा? अभी बज रहे हैं 4 है ना यश, और अभी इतने टाइम तो धूप करता है। और हाँ ये आंगन पूरा यहाँ साफ हो गया, नहीं तो बहुत था। और इधर भी पूरा साफ हो गया, और इधर से पीछे भी पूरा साफ हो गया। दोस्तों हमारे घर पे कोई उधर व्यक्ति यहाँ है, पता नहीं कौन है। सर्वे करने। सर्वे अभी चलेंगे तब पूछ लेंगे। हाँ मस्त रेनबो दिख रहा। हाँ दिख रहा। हाँ दिख रहा। तो अभी तुम ही ना बताए। हाँ देख रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू 7 रहते, पर दिखते मेनली रेड ऑरेंज ग्रीन ही है और ब्लू हल्का। हाँ